हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन राठौड़, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो यहाँ पे अपने पीछे बाइक खड़ी है अपनी होंडा S125, और आज के इस वीडियो में इस बाइक की एक प्रॉब्लम के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, और जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी इसी बाइक की एक प्रॉब्लम के बारे में। इन दोनों प्रॉब्लम्स के बारे में काफ़ी कमेंट आते हैं मेरे वीडियोज़ में, तो सोचा मैंने यार एक वीडियो भी बना देते हैं इसी बारे में। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे उस प्रॉब्लम के बारे में, और प्रॉब्लम क्या है वो आपको बताता हूँ। इस बाइक का जो साइलेंसर है ना, उसका कलर वगैरह फेड हो जाता है। तो कलर कैसे फेड होता है, किस वजह से होता है, उसका सोल्यूशन क्या है, आज के इस वीडियो में इसी बारे में अपन बात करेंगे। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आगे भी आपको इसी टाइप के बाइक के वीडियो देखने को मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यार ये अपनी बाइक है होंडा S125, देख सकते हो आप, और इस बाइक को ऑलमोस्ट यार 1 साल और 2 महीने हो चुके हैं। मैं थोड़ा सा आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ इस बाइक की प्रॉब्लम एक, जो काफ़ी लोगों को और भी आती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसका जो साइलेंसर है ना, उसका कलर फेड हो गया है, मतलब कलर अलग हो गया है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर जो कलर है उसका चेंज हो चुका पूरा यहाँ से, और यहाँ पे देख सकते हो ऐसा कलर था इसका शुरुआत में, और अभी ऐसा हो चुका है। और ये जो दिक्कत है ना यार, होंडा की बाइक्स में ज़्यादा आती है, बाकी हीरो टीवीएस वगैरह या फिर किसी भी अदर कंपनी में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। होंडा की जो बाइक आती है ना, उसमें ये काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये जो प्रॉब्लम है किस वजह से होती है, क्यों ये जो साइलेंसर ना यार इतना ज़्यादा ऐसे हो जाता है, और यहाँ पर तो देखो आप थोड़ा सा जंग भी लग चुका है इसके अंदर थोड़ा बहुत यहाँ पर। तो ये जो प्रॉब्लम है यार, ये इसकी हीटिंग की वजह से होती है। अधिकतर जो बाइक आती है उसमें इतना हीटिंग इशू नहीं होता, इसमें थोड़ा सा हीटिंग इशू है। और अगर आप बाइक को लंबा चलाते हो, जैसे कि आप लॉन्ग राइड पर चलाते हो बाइकों को, जैसा कि मैं चलाता हूँ भी हूँ, और इस बाइक को मैंने काफ़ी चलाया भी है, तो बाइक हीट करती है, और हीटिंग की वजह से इसका जो कलर है ना ऐसा हो जाता है। अगर आपकी बाइक की रनिंग कम है, आप थोड़ा बहुत कम चलाते हो उसको, आपकी रनिंग ज़्यादा नहीं है, 30-40 किलोमीटर चलाते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको प्रॉब्लम इतनी नहीं आएगी, जो कलर है इतना नहीं होगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा लंबा चलाते हो और रेगुलर चलाते हो बाइक को बिना ब्रेक दिए, तो ऐसा कलर हो जाता है जैसा कि आप देख सकते हो। और हीरो की जो बाइक आती है ना, उसमें यहाँ पे एक गार्ड वगैरह भी आता है यहाँ पे इस जगह पे, तो उसकी वजह से आपके पैरों में थोड़ी सी गर्मी वगैरह आपको फील नहीं होती। लेकिन इस बाइक में क्या होता है कि जैसे कि अगर आप गर्मियों में इसको चलाते हो और ट्रैफिक वगैरह रहता, तो वो फील होगा, जो इसका हीट है वो आपको यहाँ तक पैरों में फील होता है गर्मियों के दिनों में। और अभी बात करें साइलेंसर के सोल्यूशन के बारे में, कि ये जो प्रॉब्लम इसका सोल्यूशन कैसे अपन क्या कर सकते हैं, तो उसमें यार पेंट करवाना पड़ता है, जो कि आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा, किसी वीडियो में अलग से बताएंगे आपको कि इसको कैसे सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक हीट प्रूफ पेंट आता है, जो इसके ऊपर पूरा हो जाएगा, यहाँ से लेके इस जगह से और पूरा यहाँ तक हो जाएगा, तो उसके बाद जो कलर है ना पूरा सेम टू सेम ऐसा हो जाएगा। हालांकि जो ये प्रॉब्लम है इसका पूरा सोल्यूशन नहीं है, फिर से अगर अपन इसको लंबा चलाएंगे ना बिना ब्रेक दिए, मतलब लॉन्ग राइड वगैरह अगर अपन करते हैं ना, तो फिर से ऐसी दिक्कत आएगी। ये जो मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ, ये टेम्प्रेरी सोल्यूशन है इस बाइक का, जो ऐसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। आपकी बाइक में भी शायद ये प्रॉब्लम होगी, अगर आपकी बाइक में भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताना। और यार होंडा कंपनी को इसके बारे में थोड़ा सा सोल्यूशन करना चाहिए, क्योंकि होंडा की बाइक में ही ना ये जो दिक्कत है सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। मेरे को तो यार जितने भी ये ऐसी ये प्रॉब्लम दिखी है ना, होंडा की बाइक में ज़्यादा दिखी है, बाकी अगर आपको अदर बाइक की कंपनी में भी देखने को मिली हो तो आप बता सकते हो। बाकी अपनी बाइक है देख सकते हो। और पेंट क्वालिटी को लेकर भी काफ़ी लोग सवाल करते हैं, तो भाई पेंट क्वालिटी मेरे को तो सही लगती है इस बाइक की, अपने को तो ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, और अभी तक तो कोई इशू नहीं है पेंट क्वालिटी को लेकर। यहाँ पर भी देख सकते हो आप, अभी तक बिल्कुल सही है, और ये भी पूरा सही है। और बात करूँ यार मेरी, तो मेरे तरफ से तो काफ़ी अच्छी बाइक है, माइलेज भी काफ़ी अच्छा है, और मेंटेनेंस भी इस बाइक का काफ़ी सही है। 125 सीसी की अगर आपको कोई बाइक चाहिए और फैमिली बाइक चाहिए जिसमें माइलेज भी आपको अच्छा मिले, तो ये जो बाइक है काफ़ी अच्छी बाइक है, आप इसको परचेस कर सकते हो। तो यार ये तक छोटा सा वीडियो इस बाइक के इस प्रॉब्लम के बारे में। काफ़ी लोग कमेंट करते रहते हैं मेरे वीडियोस में कि यार हमारा जो साइलेंसर उसका कलर फेड हो गया है, किस वजह से कलर फेड हुआ है, उसका सोल्यूशन वगैरह क्या है। तो सोचा यार मैंने क्या एक छोटा सा वीडियो बना के सब भाई लोगों को बता देते हैं कि जो प्रॉब्लम है क्यों आती है, उसका सोल्यूशन कैसे किया जाता है। बाकी जो पेंट वगैरह हीट प्रूफ जो पेंट आता है वो मैं ऑर्डर करूँगा, और इस बाइक पर आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे अपन कर सकते हैं, तो उसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो उसकी हेडलाइट को लेकर, इसकी हेडलाइट की एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में कई भाई लोगों को मेरे पास आए थे DM, तो उसके बारे में भी बात करेंगे, और आपको मैं बताऊँगा कि यार ये इस बाइक में वो प्रॉब्लम है एक्चुअल में या फिर नहीं है, या फिर उन्हीं की बाइक में ये प्रॉब्लम है, तो वो वीडियो आपको नेक्स्ट देखने को मिल जाएगा, तो उस वीडियो को आप देखना। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही था, और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उससे पहले आपको बताऊंगा, मैं चैनल पे फर्स्ट टाइम हूँ, आप पहली बार कोई मेरा ऐसा वीडियो देख रहे हो और आपको बाइक्स के वीडियो देखना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना,
ताकि आगे भी आपको बाइक्स के वीडियो देखने को मिलते रहें। बाकी यार 125cc में और भी बाइक्स आने वाली है, अभी एक दो बाइक की लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आई है जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। और बाकी यार ओल्ड टाइम जो फेवरेट है लोगों की वो तो SP125 है, हालांकि जो रेडर 125 आज के टाइम में काफ़ी अच्छी बाइक निकल के आई है इस सेगमेंट में। बाकी इस बाइक की जो फैन फॉलोइंग है वो काफ़ी ज़्यादा है, और मुझे भी आप कमेंट करके बताना यार कि 125cc में आपकी फेवरेट बाइक कौन सी है और कौन सी आपने परचेस की है, फिर कौन सी आप परचेस करने वाले हो तो कमेंट करके बताना। बाकी कोई भी बातचीत करनी हो तो इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे आ रही है, इंस्टा पे आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।